अरे सलमान, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे चिंगारी दीदी, आपको भी पता नहीं क्या बीमारी है। वो रो रही है तो रोने दो ना उसको, चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गए हैं। चलो। नहीं सलमान, जब मैं किसी लड़की या किसी औरत को रोते हुए दिखती हूँ ना, तो इस चिंगारी के अंदर ममता जाग उठती है। मैं इसकी वजह जाने बिना नहीं जाऊंगी। तू आ। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मैं किन्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बताओ, यहाँ बैठ के फुटपाथ पर क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? माही। माही बेटा, बताओ तो क्यों रो रही हो तुम? मैं कैसे बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के खुशियों वाले पन्नों पर अपने हाथ से बदनसीबी भी लिख डाली। दीदी, ये मामला तो प्यारा धोखाधड़ी वाला लगता है। हाँ पहलवान। माई बेटा, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और तुम्हारी हालत किसने की है? दीदी, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं। तुम यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हो और किसके साथ? दीदी, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अपने अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पर छोड़ छाड़ कर आई थी। आज उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा, ये जो इश्क और मोहब्बत की किस्तियाँ होती हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही नाजुक और कमज़ोर होती है। जब वक्त और हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो किस्तियाँ डूब जाया करती हैं, किनारे पे कभी नहीं पहुँच पाती। दीदी सही कह रहे हो, इन लड़कियों को तो डूबने वाली किस्ती पसंद आती है। आप सही कह रहे हो, मैंने एक लड़के के झूठे प्यार में पड़ के अपने घर वालों की एक बात ना सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कहाँ है वो लड़का? दी, हम पास में ही C14 में रहते थे, और अगर आज मैं भाग कर ना आती तो वो मुझे जान से मार देता। तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ। यार, माही अभी तक आई नहीं। ट्रेन का टाइम होने वाला, अभी तक ही आई नहीं। सिर्फ बोला था मैंने टाइम से आने के लिए, 2 मिस कॉल कर चुका हूँ, अभी तक रिसीव भी नहीं कर रही है। यार बड़ी देर कर दी आने में तुमने। यार घर वालों की नजरों से बस्ती बचाती आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत है, लेट हो, चलो जल्दी चलो। रंजन। हाँ क्या हुआ? रंजन मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजन, मैं तुम पे भरोसा करके घर वालों का भरोसा तोड़ कर आई हूँ। माही तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। रंजन, मम्मी पापा मुझे समझा रहे थे कि ये प्यार का चक्कर छोड़ दे, इसमें धोखा ही मिलता है, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। बाबू जा, सोचो मत। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा रंजन, जल्दी से चलो, अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग चुकी हूँ, तो वो सब मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। भाई तुम परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा ली है, और जहाँ हम रुकने वाले हैं मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, और जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हमें शहर से दूर जा चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल वालों की है। दिल्ली में कहाँ रहेंगे हम?
दिल्ली में एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे रहेंगे। माही माही, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय ले आना जरा। कहाँ से बनाऊं चाय, ना घर में चीनी है ना दूध है, सिलेंडर और खत्म होने वाला है, लाओ पैसे दो। एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और पैसे मंगा। चार महीने से मेरे बाप का ही पैसा खा रहे हो जो मैं लेके आई थी अपने साथ में, और अगर मुझे खिलाने की हिम्मत नहीं थी ना तो क्यों भगा के लेके आए मुझे? तेरी जबान बहुत चलने लगी कैंची की तरह, तोड़ तोड़ के बिठा दो किस दिन, समझी? ओ हेलो, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, एक साल से ग्वालियर में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे तू, और चार महीने से यहाँ पे, अब मन भर गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मैं मन भर चुका तुमसे, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे तुम में, समझी? इसीलिए तो शादी के लिए टाल मटोल करते आ रहे हो ना तुम, सब समझ में आ रहा है मुझे। शादी और तुझ जैसी लड़की से? चल चल, सपने मत देख। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? क्या कहा, तू शादी नहीं करेगा मुझसे? ओए ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना मुझे मत दिखाना, मैं फोड़ फाड़ दूंगा अभी। तू तड़ाक शुरू किसने की? मैं पागल थी जो तेरे जैसे इंसान के साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई। एक काम कर, तू धंधा कर ले, सुंदर तो तू है ही, पैसों की बारिश होगी और चाहने वालों की भी लाइन लग जाएगी। क्या धंधा कर लो? अरे शर्म कर, शर्म कर, तेरे जैसे लोगों की वजह से ना प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई है लोगों को। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो चली जाए यहां से। हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तो देखूं कितनी नफरत भरी पड़ी है तेरे दिल में। नफरत हो गई है मुझे तुझसे और तेरे इस प्यार से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ? पीछे रहो, देखो मेरे पास मत आओ। क्या कर लेगी तू? वरना बोल, पीछे हटो, जा रही ना तू, निकल निकल यहां से, वापस मत आ जाइए यहां पे, बता रहा हूं मैं तुझे, मन तेरी बोटिया ही निकलेगी यहां से। दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आती है ना वो जिंदगी भर ठोकर खाती है। दीदी मुझसे इस लड़की के दुख देकर नहीं जा रहा। पहलवान बेटा तू चल, मैं देखती हूँ उस कमीने का कमीनापन, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ढक्कन उसके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू चल मेरे साथ, चल चल सलमान। साली सर पर चढ़ रही थी, दिमाग गर्म कर रही थी, पीठ पीठ ठंडा कर दिया, रोज रोज का यही ड्रामा। कह रही थी शादी कर लो, भाई सबसे शादी करते रहूंगा तो घर में तो बीबियों की लाइन लग जाएगी। क्या पता नहीं कहाँ गई, अरे अच्छा ही हुआ यार चली गई, पीछा छूटा उससे। चलो मैं तो कॉल करता हूँ। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? माही यही है वो कमीना, मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? जब तेरे जैसे मर्द ना मर्दों वाले काम करने लगे ना तो हम जैसे ही जोड़े में मर्दानगी अपने आप आ जाती है। दीदी और मारो इसे, और मारो, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया, इसने मेरे सारे सपने खत्म कर दिए, और मारो दी इसे, और मारो, मारो दी इसको। चल।
बेटा इन जैसे नामर्दों को कैसे ठीक करना है ना, तो ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। चल तू मेरे साथ। ये फैसला तुझे करना है। तेरे पास चार रास्ते हैं। पहला, तू माही से शादी करेगा, वो भी मंदिर में चलकर चार गवाहों के सामने। शादी और इस बचलन से कभी नहीं। दूसरा रास्ता, तुझे पुलिस थाने में ले जाके तेरी अच्छे से रिमांड कराऊं, एक लड़की का शोषण करने का केस कराऊं तेरे ऊपर, ताकि तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीते। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं। और तीसरा रास्ता, तुम दोनों अपने माँ बाप से बात करके दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करोगे। नहीं नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। और चौथा और आखिरी रास्ता, कि मैं तेरा टुकड़ा वो तुझे यही चांस से मार दूं। बोल, चारों रास्ते में से तू कौन सा चूज करेगा? बोल जल्दी, बोल बोल। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, मर जाएगा ये। ऐसे हरामियों का मर जाना ही सही है। बोल बोल, चारों रास्ते में से क्या चुनेगा तू? तीसरा रास्ता। रास्ता, मैं अपने घर वालों की रजामंदी शादी करूंगा। छोड़ दो। आ गई अब अकल ठिकाने। चिंगारी अच्छे से जानती है कि कौन सा ढक्कन कब और कहां लगाना है। माही बेटा, तू शादी करेगा इससे? सोच के बता मुझे, और फिकर मत करना, तेरी ये चिंगारी दीदी हमेशा तेरे साथ है। कभी भी इसने ऊंच नीच की ना, इसके ढक्कन में ऐसा ग्लिसरीन डालूंगी कि दर्द तो होगा लेकिन बेदर्दी तरीके से।